एमसीबी जैसा ऊपर किए पहले वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज आप देख सकते हो 200, ठीक है। और अभी हम लोग ग्रीन स्विच ऑन करते हैं और इसका एम्पियर देखिए, यहाँ पर आपको 12 से 13 एम्पियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 13 एम्पियर में ये नहीं चलने वाला, इसको चाहिए 4 से 5 एम्पियर। तो हम लोग का गलत है, क्योंकि इससे हम लोग का क्या होता है, यहाँ से मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनने से क्या होगा हम लोग का। एवरीवन, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे समरसेबल स्टार्टर में हम लोग का मोटर जो है, अब देख सकते हो स्टार्टर आप लोग को समझ आ रहा है, इसमें हम लोग का 10 से 12 एम्पियर का ऊपर जा रहा है। तो ये मोटर हम लोग का पानी नहीं दे रहा है, एम्पियर ज़्यादा आ गया मतलब हम लोग का मोटर में पानी नहीं आता। तो इसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया जाता है और कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है तो एम्पियर ज़्यादा आता है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे, इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताएंगे। आपका स्टार्टर का एम्पियर ज़्यादा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो ये वाला वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो पे नहीं आए चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि हम लोग साइट पे पहुंचे, ये है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन का काम चल रहा है और ये वाला जो देख रहे हो समरसिबल जो मोटर लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला स्टार्टर है, तो इसमें फंडा ये है, यहाँ पर आप लोग समझ आ रहा है, ये हम लोग का स्टार्टर है। भैया का कहना ये है इसमें एम्पियर ज़्यादा आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज भी सही है। तो देखते हैं अभी ऑन करके। एमसीबी जैसा ऊपर किए पहले वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज आप देख सकते हो 200, ठीक है। और अभी हम लोग ग्रीन स्विच ऑन करते हैं और इसका एम्पियर देखिए, यहाँ पर आपको 12 से 13 एम्पियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 13 एम्पियर में ये नहीं चलने वाला, इसको चाहिए 4 से 5 एम्पियर। तो ये क्या हुआ है, तो ये हम लोग का ऐसा इतना एम्पियर आ रहा है, वोल्टेज देखिए ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इसका कैपेसिटर देख लेते हैं। और एक छोटा सा और गलती की है भैया, क्या बताता हूँ आपको, चलो ये आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, ये जितना भी वायर है जैसे 200 फीट अंदर गया, उसके बाद यहाँ पर वायर बचा, तो ये क्या किया सर, राउंड कर दिए। ये तो हम लोग का गलत है, क्योंकि इससे हम लोग का क्या होता है, यहाँ से मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनने से क्या होगा हम लोग का एम्पियर ज़्यादा लेगा, और इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो एक दो बार ऐसा हुआ है बोल रहे हैं, बार बार ऐसा चालू तो हो जाता है, फिर ये देखिए अभी भी कम नहीं हुआ, स्टार्टिंग प्रेस करने के बाद एम्पियर और बढ़ रहा है, ठीक है। धक्का मारने के बाद भी बीच बीच में हम लोग का ये हो रहा है, अभी देखिए। तो ये हम लोग का जो है, सबसे पहले ये वाला वायर जो कटिंग करेंगे और 10 फीट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर भले इसको लंबे ले जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसा रोल करके रखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर, तब तक ये वाला वायर कटिंग करेंगे। और एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, चलो आपको दिखाता हूँ, जो मेन लाइन आया ना वहाँ पर, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलो ये मीटर है, मीटर से जो वायर आया उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या हुआ फंडा, कुछ समझ आ रहा है आप लोग को, ये वाला वायर, तो ये देखिए ये जला हुआ है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है, अल्मोनियम और कॉपर वायर में ना हम लोग का जॉइंट नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग एक कनेक्टर भी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको भी कर, देखिए वायर कटिंग कर दिया अभी, और हम लोग जो स्टार्टर पे अब देखिए करीब ये 10-12 फीट रखे हैं, ज़्यादा नहीं, और ये पेटी पे रख रहे हैं क्योंकि इसको वाटर प्रूफ करना, वेदर अभी हम लोग का बारिश होने का भी संभावना रहता है, तो ऐसा आपको जुगाड़ भी कर लेना आपको वाटर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इससे सेफ भी रहेगा और चोरी भी नहीं होगा, इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो कनेक्शन है RYV, हम लोग जैसे यहाँ पर पॉइंट देख रहे हो, RYV जो कनेक्शन है यहाँ पर टर्मिनल पे लगा देंगे, ठीक है। जैसा कलर है वैसा ही लगाना, आपसे गलती भी नहीं होगा। ये तीन है ना, ये तीनों का पॉइंट एक एक करके लगाना है। ये वाला जो है ये कनेक्शन कंप्लीट। और एक विशेष सूचना लेना चाहता हूँ, आपको स्टार्टर लेना है तो यही बार लेना, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट है, इससे कॉन्ट्रेक्टर है, मोटर जलने का संभावना भी नहीं रहेगा, ज़्यादा एम्पियर आने से ट्रिप भी हो जाता है, और ये तारों का है, टेक्समो का, ठीक है। तो अभी हम लोग चलो इसको कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये है कनेक्टर लग गया, अब हम लोग जो है अल्मोनियम वायर पे यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसको फेस और न्यूट्रल चेक करना है, उस हिसाब से अपने को सेट करना है। फेस इधर आ रहा है, फेस को पहले लगा लेते हैं, अब न्यूट्रल को पहले लगाना है, ठीक है, फेस पहले बाद में लगाना, न्यूट्रल वाले पॉइंट को लगाना, और ये डायरेक्ट ना खंभे का पॉइंट है। चलो ये भी हो गया, वायर भी कटिंग हो गया, अब चलो हम लोग मोटर आपको ऑन करके दिखाते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग का वायर जो जल रहा था ना, वो जलना बंद हो जाएगा। तो चलो यहाँ कनेक्टर लग गया, मीटर भी कनेक्शन हो गया, अब हम लोग चलते हैं मोटर के पास और देखते हैं। ये है
आप लोग को कैसा लग रहा है, चलेगा कि नहीं? वायर भी था उसको हम लोग छोटा कर दिए, अब हम लोग MCB ऑन करते हैं, वोल्टेज भी देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए MCB उठाए, ग्रीन बटन प्रेस किए, आप देखिए यहाँ पर एम्पियर जो ज्यादा आ रहा था ना, अब देखिए समझ आया आपको। और ये देख सकते हो इसका पानी भी साफ आ रहा है, हल्का सा डस्ट ग्लासेस लग रहा है मैला, वो तो अभी कॉलम है। और आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का मोटर में पानी आना चालू हो गया। तो आपको भी ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? जो गलती मैं आपको बताया था, वायर ऐसा लंबा था और वहाँ पर ज्वाइंट था, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर एम्पियर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये हम लोग का 5 एम्पियर आ रहा है करीब। तो चलो फाइनल हुआ, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग का पानी आना चालू हो गया। भैया बोल रहे थे मोटर मत खोलना पड़ जाएगा, तो आप लोग समझ आ गया ना क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। बहुत ही बढ़िया काम कमलेश भाई। तो अभी हम लोग ना एक दो बार अभी इसको ऑन अभी नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू अभी आधे घंटा करीब ऑन रखेंगे, ठीक है? मोटर कहीं जाम भी रहता है तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग, ठीक है? तो आधे घंटा ऑन रखें। दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, आप लोग का भी प्रॉब्लम है ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। एक वायर का आपको बताया और एक रोल था ऐसा, ठीक है? दो गलती था उसके कारण हम लोग का ये मोटर भी चल नहीं पा रहा था। अब फाइनल हुआ, अभी मोटर भी चल रहा है, एम्पियर भी 5 एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों ऐसा से रिलेटेड वीडियो आप लोग को देखना है तो कमलेश इलेक्ट्रिकल को चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे से रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम, विजय वंदना।